प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अवैध धन उगाही की खबरें आम जनपद के चहुओर से आ रही हैं। खबरें शमशाबाद की खबर ने मचाया हड़कंप, त्रस्त लोगों ने खुद किया संपर्क, जल्द होगा बड़ा खुलासा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76। बीते दिन हमारे चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धन उगाही की एक खबर प्रकाशित की गई थी जिससे हड़कंप मच गया, जिसमें लाभार्थियों द्वारा सभासद पर आरोप लगाए गए। वह जानकारी से पता चला कि एक व्यक्ति विशेष पर आरोप राजनीति का हिस्सा था, जिसके परिणाम स्वरूप सभासद ने यूपी 76 न्यूज कार्यालय पर आकर संपर्क किया और अपना तथ्य रखते हुए यूपी 76 न्यूज को बताया। हाँ, थोड़ा अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मोगिन आलम है और मैं वार्ड नंबर 14 नगर पंचायत शमशाबाद के मोहल्ला काजी टोले का निवासी हूँ और वार्ड नंबर 14 से मैं सभासद पद की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, बीते दिनों आप पर वार्ड के कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं, जिसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहेंगे और सच्चाई ये है कि जो भारी होता है, जो चर्चा में होता है, उस पर आरोप लगते हैं और जनता के लिए मैं काम करता हूँ। जनता मेरे लिए समर्थन कर रही है और मेरी मांग कर रही है क्योंकि मैंने उनके बीच में रहकर काम किया है 5 सालों में और उनके वादों में खरा उतरा हूँ। अच्छा। और आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, क्या आप वार्ड नंबर 3 संजय नगर से वर्तमान में सभासद हैं? क्योंकि जहाँ तक सवाल वार्ड नंबर 3 का है, मैं वहाँ से कोई पद पर नहीं हूँ और ना ही मेरा उस वार्ड से कोई लेना देना है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं तो वो पता नहीं क्यों आरोप लगा रहे हैं, क्या वजह है, तो वही जान सकते हैं। फिलहाल मेरा उस वार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ऐसे कौन से कारण हैं कि आपके विरोधी आप पर हावी हो रहे हैं? देखिए, विरोधी इसलिए हावी हैं कि मैंने जनता के बीच 5 साल काम किया है जी, और जो भी स्कीमें, जो भी पॉलिसी आई सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो मैंने घर तक पहुंचाने का काम किया है और मैं जो भी आता है उसका सम्मान करता हूँ और उनसे अपने काम के बारे में पूछता हूँ और काम जा करता भी हूँ। जो आरोप लगा रहे हैं लोग, वो सिर्फ आरोप ही लगा रहे हैं, उनको कोई सच्चाई, कोई तथ्य नहीं है। जब जनता हमारा समर्थन, चुनाव आएगा तो मेरा वोट सपोर्ट करेगी तो उनके करनी और कथनी में फर्क होगा। अच्छा, मतलब आपका कहना यह है कि जो कुछ भी ये जो आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं, एक राजनीतिक हिस्सा है? बिल्कुल राजनीतिक हिस्सा है जी। कहीं ना कहीं वो मेरे काम से और मेरे इमेज से परेशान है और दिक्कत है उनको, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मैं चुनाव ना लड़ूं, लेकिन जनता हमारे साथ है और जनता ने हमें मान सम्मान दिया, 5 साल उन्होंने काम किया मैंने उनके बीच में, और वो चाह रहे हैं कि इस तरीके के आरोप लगा के इनको रास्ते से हटाया जाए ताकि वो आसानी से चुनाव जीत सकें या जो भी उनके मंसूबे हैं उनसे कामयाब हो सकें। चलिए भाई, यूपी 76 न्यूज पे अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में खूब जमकर भ्रष्टाचार किया गया है और किया जा रहा है और लोग हमसे संपर्क साध रहे हैं। लोगों ने बताया कि इस योजना में लगे कर्मचारियों ने क्षेत्र बाई क्षेत्र, लोकवाणी केंद्र, सभासद व अन्य लोगों को जिम्मेदारी सौंप कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों से जमकर धन उगाही की है, जिसके चलते गरीब लोग प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई इस लाभान्वित योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए और लोगों के दिलों को ठेस पहुंची, जिसके चलते सरकार की छवि धूमिल हुई। परंतु लोगों ने अब आगे आकर प्रधानमंत्री आवास योजना में कार्यरत कर्मचारियों के नाम लिए और साक्ष्य भी दिए, जिसे जल्द ही यूपी 76 न्यूज प्रकाशित करेगा। फिलहाल शमशाबाद में सभासद पर लगाए गए आरोप राजनीति का हिस्सा साबित हुए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक, और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।